पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, बंगलोर और बद्रीनाथ उपचुनाव में मिली हार की बीजेपी आज समीक्षा करने जा रही है। आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक सुबह 11 बजे होगी, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष के साथ सभी विधायक और मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही 1300 से ज्यादा पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। रविवार देर रात बीजेपी संगठन और सरकार की मीटिंग हुई है। सीएम धामी के आवास पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी के सभी चारों महामंत्री मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सीएम धामी के आवास पर मीटिंग हुई है। प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक, जिस पर और जानकारी हमारे सहयोगी सुनील प्रभात देंगे। सुनील प्रभात, इस बैठक का एजेंडा साफ है कि मंगलोर और बद्रीनाथ उपचुनाव में जो हार मिली है उसकी समीक्षा की जाएगी। कितने बजे बैठक शुरू होनी है, किन किन अहम मुद्दों पर चुनाव से जुड़े हुए जिनके ऊपर चर्चा की जानी है, कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है, विस्तृत जानकारी इस बैठक की दीजिए। देखिए कंचन, सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होने वाली है। जो उद्घाटन सत्र है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन सत्र का उद्घाटन करेंगे और समापन सत्र पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश भर से करीब 1300 के आसपास जो पदाधिकारी हैं मंडल लेवल तक के, वो इस कार्य समिति में रहने वाले। ये एक विस्तृत कार्य समिति है और खासकर ये कार्य समिति का महत्व और भी इसलिए बढ़ जाता है बीजेपी के लिए कि ये उस समय हो रही है जब अभी दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और बीजेपी को अप्रत्याशित हार का सामना इन चुनाव में करना पड़ा है। तो इन दोनों उपचुनाव की समीक्षा तो इस मीटिंग में होगी ही। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की समीक्षा भी इसमें होगी और इसके साथ साथ केंद्र में दो राजनीतिक प्रस्ताव भी इसमें पास होंगे। एक तो केंद्र में सरकार की तीसरी बार पुनः वापसी पर एक प्रस्ताव पास होगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बतौर मुख्यमंत्री 3 साल का कार्यकाल हो गया है, तो उनके 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी इस कार्य समिति में रखा जा सकता है और आगे का अगले 3 महीने का रोड मैप भी इस कार्य समिति में बनेगा। खासकर प्रदेश में निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं, तो निकाय चुनाव को लेकर भी इसमें विचार मंथन किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश उसमें दिए जाएंगे और करीब आगे का जो रोड मैप है वो इस मीटिंग में कार्य समिति के जरिए तय किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए। तो विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी के अंदर कैडर वर्सेस बाहरी के मुद्दे पर घमासान छिड़ गया है। खासकर बद्रीनाथ सीट पर मिली हार पर अब कैडर वर्कर खुलकर सामने आ रहे हैं। पार्टी के अंदर एक मत है कि बद्रीनाथ में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए राजेंद्र भंडारी को पार्टी कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हुए बीजेपी ने जिस तरह से रिकॉर्ड संख्या में कांग्रेसियों को पार्टी में शामिल किया, उससे हार्डकोर बीजेपी वर्कर्स ने पहले से नाराजगी थी। लेकिन बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद अब पार्टी के अंदर इस पर बहस भी शुरू हो गई है। धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का बद्रीनाथ उपचुनाव उदाहरण है। तो पार्टी महामंत्री आदित्य कोठारी का भी मानना है कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। बद्रीनाथ सीट पर जो हुआ है, अगर उसकी एक लाइन में समीक्षा करें तो राजेंद्र भंडारी जी जो पूर्व विधायक रहे हैं वो एक कांग्रेस के वोट को भाजपा में कन्वर्ट नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं कर पाया, यही उसका मूल कारण रहा कि वहां पर हम चुनाव हारे हैं, अन्यथा हम चुनाव जीत गए होते। राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं और जैसी परिस्थिति होती है राजनीति में, अगर उस प्रकार का निर्णय नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो हमारा कैडर का वर्कर है, जो निष्ठा के साथ में, समर्पण के साथ में पार्टी का काम करते हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जब रिजल्ट निगेटिव आता है तो इस तरह की बातें उठती रहती हैं, लेकिन वही परिणाम अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसी में अच्छाई नजर आने लगती है। फिलहाल हार के कारणों पर विस्तार से मंथन किया जाएगा। देखिए जब परिणाम नकारात्मक आता है तो बहुत से सुझाव आते हैं और जब पॉजिटिव आता है तो उसी में अच्छाई दिखाई देती है। पार्टी हर विषय पर चिंतन करेगी, विचार करेगी। बहरहाल
कांग्रेस या अन्य दलों से बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं के लिए ये झटका हो सकता है, क्योंकि बद्रीनाथ उपचुनाव की हार और कार्यकर्ताओं की नाराजगी पार्टी को नए और पुराने कार्यकर्ताओं के मुद्दे पर रिव्यू करने को मजबूर कर सकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और प्रस्तावित निकाय चुनाव में पार्टी एक बार फिर कैडर वर्कर्स को प्राथमिकता वाली थ्योरी पर लौटाए। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए सभी जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में अभी भी 129 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम भी जारी है। वहीं एक बार फिर से तेज बारिश की संभावना है। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील से खबर, जहां पर तीजम और वतन को जोड़ने वाला कच्चा पुल बीते दिनों बरसात में बह गया, जिसके बाद अब लोग जिंदगी दांव पर लगाकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। इस इलाके में 18 परिवार रहते हैं। पुल बहने के बाद ये लोग अपनी जरूरत के सामान लाने के लिए भी रस्सियों के सहारे पुल पार कर ये नदी पार कर रहे हैं। जान जोखिम में डाल के नदी को पार करने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रस्सियों की मदद से भले ही ये लोग आवाजाही कर रहे हों, लेकिन ये सफर कभी भी किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मॉनसून में हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद कई सड़कें खराब हो गई हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड बना हुआ है। लैंडस्लाइड का खतरा और बढ़ता जा रहा है। हल्की बारिश होती हमारे साथ हमारे सहयोगी रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। संदीप, देखिए, एक बारिश लेकिन लोगों के लिए कई समस्याएं ये बारिश खड़ी कर देती है। मॉनसून का जो ये मौसम है, लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं लेकर आ जाता है। आप इस समय मौसम का अपडेट दे दीजिए, क्योंकि अब देखिए बारिश एक हफ्ते तो नहीं हुई है, लेकिन अब आने वाले समय में जरूर एक बार फिर से बारिश होगी, जिसमें लोगों की समस्याएं फिर बढ़ती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश होती है वो काफी मुश्किलात खड़ी कर देती है, और लगातार जो मानसून का जो सत्र होता है उसमें बड़ी दिक्कतें होती है। सबसे बड़ी दिक्कतें जो है वो सड़क की होती है, क्योंकि जो चार धाम जो यात्रा मार्ग है वहाँ पर जगह जगह लैंड स्लाइडिंग होती है, स्लाइडिंग जोन है, और जो सबसे बड़े खतरे का विषय बनता है, जैसे बद्रीनाथ की बात करिए या केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सभी जगह जो है लैंड स्लाइड की समस्या लगातार हम खबरें देखते आ रहे हैं। कई बार लैंड स्लाइड हो जाती है और कई घंटों तक वहाँ पर सड़क बंद हो जाती है, और जिससे जो श्रद्धालु हैं, जो आम मुसाफिर हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और रही बात ये कि लगातार मीटिंगें होती है यात्रा से पहले कि जो स्लाइडिंग जोन है, डेंजर जोन है, उनको ठीक किया जाएगा, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका खामियाजा जो श्रद्धालु हैं और आम मुसाफिरों को झेलना पड़ता है। लेकिन वहीं सबसे बड़ी दूसरी समस्या जो है वो आजकल इन दिनों पहाड़ों में जो है वो पेयजल की है, क्योंकि जो पेयजल जो फिल्टरेशन सिस्टम होता है उस पर कहीं ना कहीं सरकार को काम करने की जरूरत है, क्योंकि पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत है जब गाढ़ गदरे और जो नदियां हैं, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, वो उफान पर आ जाते हैं, जलस्तर बढ़ जाता है, तो मिट्टी और जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी लोगों के नलों पर सप्लाई होते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं बीमारी का भी खतरा बन जाता है। तो कहीं ना कहीं इन जो मुख्य समस्या है मानसून सत्र में, उस पर सरकार को और खासकर सिस्टम को, सरकारी मशीनरी को काम करने की जरूरत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संदीप जानकारी के लिए। और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इस समय हरिद्वार से देहरादून जा रही मुरादाबाद डिपो की बस अनियंत्रित होकर जो पलटी है, उस पर आपको हम अपडेट दे रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए 24 लोग घायल हो गए हैं। गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी यात्री की मौत नहीं हुई है। देर शाम बस करीब 40 यात्रियों को लेकर हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना हुई थी, और जैसे ही बस हाईवे पर CCR 4 के पास पहुंची, तभी अनियंत्रित होकर बस हाईवे से दीनदयाल पार्किंग में गिर गई। बस के गिरे जाने के बाद चीख पुकार मच गई, लोग खिड़कियों से बाहर निकलने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने बस में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए पूरा सहयोग दिया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायल यात्री, हादसे के ड्राइवर की लापरवाही की बात सामने आ रही है। मैडम,
ये एकदम से गाड़ी पलटी, ये पता नहीं ड्राइवर ने शराब पी रखी थी कि कैसे। पीछे जो और पैसेंजर आ रहे थे हरिद्वार से पहले बैठे हुए थे, वो बता रहे कि उसने दो जगह पहले गाड़ी ठोक दी, कार में ठोक दी पहले भी। अहमदाबाद से बस आ रही थी और देहरादून जा रही थी, उसमें यात्री सवार थे। दीनदयाल पार्किंग के पास ये बस अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई थी पुल के नीचे, उसमें लगभग 30-31 जो यात्री थे उनको हल्की फुल्की चोटें आई। तत्काल वहाँ पे फायर की टीम, सिविल पुलिस की टीम और ट्रैफिक की टीम वहाँ पे मौके पे पहुँच गई थी। देश के कई राज्यों में जमीन की धोखाधड़ी करने वाले बाबा अमरीक गिरोह का एक सदस्य जिसे गिरफ्तार किया गया है। देहरादून पुलिस ने आरोपी अदनान को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी अदनान ने देहरादून में जमीन खरीदने को लेकर 15 करोड़ की ठगी की थी। उसके खिलाफ देश के कई राज्यों में 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। देहरादून के राजपुर थाने में 3 महीने पहले केस दर्ज किया गया था। देहरादून में मिले रेडियो एक्टिव मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मामले में एक और आरोपी राशिद को पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने शनिवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। ये सभी आरोपी राशिद से ही रेडियो एक्टिव मटेरियल खरीद कर लाए थे। पुलिस अभी ये पता कर रही है कि रेडियो एक्टिव को देहरादून किस मकसद से लाया गया था। साथ ही पुलिस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी में नवादा क्षेत्र में एक घर में कुछ क्रिश्चियन लोगों पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है, जहां पहुंचकर हिंदू संगठनों के लोगों ने बवाल मचाया। बताया जा रहा है कि घर में छोटे छोटे बच्चों को बंधक बना रखा गया था, जिनको जबरदस्ती बाइबल पढ़ाई जा रही थी। ये परिवार पहले ही हिंदू से क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित हुआ है। इन्हीं लोगों पर आरोप है कि इन्होंने आसपास के लोगों को लालच देकर ईसाई बनाना शुरू कर दिया है। वहीं हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस ने बीच बचाव भी किया है। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज दिल्ली में बैठक हुई है, जिसमें 8 प्रस्ताव पास किए गए हैं। मुस्लिम बोर्ड यूसीसी को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि यूसीसी देश की विविधता के खिलाफ है। महसूस करते हैं कि यूसीसी जो है न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट के खिलाफ है, बल्कि जो रिलीजियस फ्रीडम हमको यहां हासिल है उसके खिलाफ भी है। तो हमने ये बात कही गई है कि यूसीसी के सिलसिले में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कोई बात तय करती है तो उन्हें इससे रेफ्रेन करना चाहिए, इससे अपने आप को परहेज करना चाहिए। और अभी जो उत्तराखंड का यूसीसी मंजूर हुआ है उसको भी अगर आप देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें हैं जो आम आदमी के को परेशान करती है। तो बीते कुछ दिनों पहले पुणे के लोनावला में तेज पानी आने से 2 परिवार पानी में एक बहाव में बह गए थे। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। कुछ इसी तरह का न्योता दे रहा है देहरादून रॉबर्स केव। क्या है ये मामला, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। देहरादून के रॉबर्स केव की ये तस्वीरें बीती 23 जून की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। पर्यटकों से ठसाठस भरी इस केव में ये छोटा सा रास्ता है जिससे लोग किसी तरह आ जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही भीड़ इन दिनों फिर रॉबर्स केव में देखी जा रही है और दूसरे प्रदेशों से आए लोग अपनी जान से खेल रहे हैं, क्योंकि इन दिनों प्रदेश में बारिश हो रही है और आसन नदी का पानी कभी भी बारिश के दौरान बढ़ सकता है।
कुछ दिनों पहले भी कई लोग नदी में फंस गए थे जिनको SDRF ने रेस्क्यू किया था। वहीं न्यूज 18 से बात में टूरिस्टों ने बताया कि यहां किसी भी प्रकार की सेफ्टी नहीं है और पानी बढ़ते ही कोई भी हादसा हो सकता है। लोगों ने अभी गुच्छी पानी में वहां देखा, काफी अंदर तक जगह है, अंदर तक लगभग 500 मीटर अंदर जाना है वहां पे, और कहीं कहीं पानी ज्यादा है, कमर से भी ऊपर है, तो इसलिए हम लोग जा नहीं पाए वहां, लेकिन बाहर से ही घूम के चले हैं। कोई नहीं था भाई, कोई नहीं था, भीड़ है, भीड़ है बस, और कुछ नहीं है यहाँ। हाँ ये तो है ही, खतरा तो बनेगा ही, भीड़ है, कोई बताने वाला नहीं है, पानी कब तेज हो जाए कुछ पता थोड़ी नहीं है। अंदर क्या, अंदर तो फंसने का है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं, अगर ज्यादा बारिश आ जाए तो मरे मरेगा आदमी। भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ है। प्रशासन की तरफ से भी रॉबर्ट्स केव में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो पानी के बढ़ते ही सभी लोग को वहां से निकलने के लिए बोलते हैं। जब बारिश का ऐसा होता है, जो देखो हमारा जो आदमी है, वो आदमी हमारे इस केव के ऊपर दो तैनात रहते हैं, वो हमें जैसे मौसम खराब ऊपर हो जाते हैं तो हमें वीडियो फोन द्वारा कॉल करके हमें ज्ञात कर पता बता देते हैं कि यहाँ मौसम खराब हो गया, तो हमारे चार आदमी केप के अंदर जाकर सारे जितने में घुस रखे हैं उसको तुरंत ही हम आधा घंटा 20 मिनट पहले हम उनको खाली करवा देते हैं। हादसों को देहरादून का रॉबर्स केव न्योता दे रहा है और किसी बड़ी घटना होने का भी शायद प्रशासन इंतजार कर रही है। देहरादून का ये पर्यटक स्थल है रॉबर्स केव, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे पर्यटक पहुंचे हैं, जबकि मौसम बरसात का हो गया है और यहाँ बारिश कभी भी ऊपर से आती तो यहाँ पे पानी बढ़ जाता है, जिस कारण कई बार यहाँ यात्री फंसे भी रहते हैं और उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे पर्यटक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं एक खतरे को अलार्म दे रहे हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। नैनीताल की कैंचीधाम तहसील के सियालबाड़ी में कुलदार का नवजात शावक मिला है। ग्रामीणों ने इस शावक को देखा लेकिन शावक की मां कहीं भी आसपास नहीं दिखी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। वन विभाग की टीम ने शावक को अपने कब्जे में ले लिया है। इस दौरान ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने शावक को दूध भी पिलाया है, जिसके बाद गुलदार को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। कैंचीधाम का जाम यात्रियों से लेकर स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी है, लेकिन अब नैनीताल जिला प्रशासन यहां जाम को कम करने के लिए ट्रैकिंग रूट विकसित करने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। कैंचीधाम में लगने वाले जाम से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए काम किया जा रहा है, इसके लिए जिला प्रशासन ने कार्य योजना बनाई है। नैनीताल और भवाली में पारंपरिक पैदल रास्तों पर काम शुरू किया गया है। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए तैयार हो रहे इस पैदल रूट में नए पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना है, तो जगह जगह रुकने और बैठने के लिए भी हट तैयार किए जाएंगे। नैनीताल से 10 किलोमीटर और भवाली गांव से महज 4 किलोमीटर की दूरी वाले इस ट्रैकिंग ट्रैक में कैंचीधाम में गाड़ियों का दबाव कम करने की योजना है। एक पैदल ट्रैक रूट भी है बिरला से कैंची धाम के लिए, तो उसको भी हमने सर्वे कराया है विभाग के माध्यम से, और इस बार पर्यटन विभाग की जिला योजना में हम लोग उसको टेकअप भी कर रहे हैं। ये एक विकल्प है। इसके साथ ही जो लोग ट्रैक करके जाना चाहते हैं उसके लिए जो पुराना ट्रैकिंग रूट अवेलेबल है हम उसको विकसित करने पर जोर दे रहे हैं, ताकि जो लोग पैदल जाना चाहें वो पैदल जाएं। दरअसल पिछले कुछ सालों में कैंची धाम में गाड़ियों का दबाव इस कदर बढ़ा है कि जाम से श्रद्धालुओं के साथ अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ तक के यात्री परेशान हैं। इसी दबाव को कम करने के लिए प्राकृतिक नजारों के साथ शानदार सफर और चारों ओर बिखरी हरियाली और मनमोहक तस्वीरों वाले इस ट्रैकिंग को विकसित किया जाना है। नैनीताल से जो अभी ट्रक रोड जिला प्रशासन द्वारा किया गया है, इससे कहीं ना कहीं जो यातायात की समस्या है, जाम की समस्या है, उसमें कुछ हद तक निजात मिलेगा। इतना फायदा होगा, इसका बहुत अधिक फायदा होगा। युवा वर्ग जो आज ट्रैकिंग के माध्यम से आना चाहता है और ट्रक के माध्यम से भी उत्तराखंड की वादियों को देखना चाहता है, कहीं ना कहीं इसका टूरिज्म को भी, पर्यटन को भी इसका फायदा मिलेगा। बहरहाल ये ट्रैकिंग रूट जहां कैंची धाम के जाम को कम करने में सार्थक होगा, वहीं प्रकृति प्रेमी को बेहतर विकल्प मिलेगा, जहां लोग प्राकृतिक नजारों से लबरेज पहाड़ का आनंद लेते हुए कैंची धाम जा सकेंगे
न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और ये अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में।